ठेकेदार सब घर कैसे ख़राब करता है, आइए दिखाते हैं आपको कितना बुरा हाल कर रखा है। ये देखिए, छत ढाल दिया लेकिन आगे का छज्जा नहीं दिया, बस रड आगे छोड़ दिया गया। पूरा घर का ही नक्शा बिगाड़ कर रख दिया, ना इसका कॉलम सीधा है, ना बीम सीधा है, हनीकॉम है। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं क्या क्या इस बिल्डिंग बनने में क्या क्या ख़राब किया है ठेकेदार लोग, सो हम बताते हैं। सभी ठेकेदार ख़राब नहीं होता है, कुछ ही ठेकेदार ऐसा होता है उनको जो घर का नक्शा बिगाड़ के रख देता है। ये देखते रहिए आप लोग, यहाँ पर देखिए कोई भी लाइन नहीं है इसका कॉलम का, देख सकते हैं ना इतना ख़राब कॉलम को, ना अच्छा से सेटिंग लगाया है, ना अच्छे से लेवल दिया कॉलम का। पूरा देखिए ये कॉलम कितना टेढ़ा है, छज्जा भी देख सकते हैं, आगे छज्जा नहीं दिया, छत को कास्टिंग कर दिया लेकिन छज्जा बाद में ढाल रहा है। ये बहुत गलत है, ये कभी नहीं करना चाहिए, साथ में ढालना चाहिए। यहाँ पर देखिए बीम में हनीकॉम आ गया, अच्छे से वाइब्रेटर यूज़ नहीं किया गया यहाँ पे। अंदर ही अंदर वो क्या होता है कि कंक्रीट जब कास्टिंग होता है अंदर में एयर वॉइड से रह जाता है, इसकी वजह से बीम कॉलम कमज़ोर हो जाता है, इसलिए अच्छे से वाइब्रेटर यूज़ करना चाहिए कंक्रीट जब भी कास्ट करें आरसीसी का। यहाँ देख सकते हैं कॉलम का पूरा एक भी नीचे से देख रहे हैं, कॉलम का साइज नीचे कुछ और साइज है, ऊपर कुछ और साइज है, मतलब कॉलम का पूरा ये देखिए, यहाँ पर देखिए पूरा कॉलम यहाँ से क्रैक कर चुका है। ये नीचे का कॉलम साइज देखिए, बीच का साइज देखिए, ना नीचे से पतला होते हुए ऊपर एकदम बड़ा होते जा रहा है, कितना बुरा हाल कर दिया ये सब। देखिए ठेकेदार लोग, देखिए देखिए यहाँ पर देखिए, दिख सकता आपको कितना बुरा स्थिति में ये बिल्डिंग बना रहा है। दोस्तों आप भी अपना घर जब भी बनाए तो ठेकेदार को अच्छे से रख लें कि कैसा वो काम करता है, उसका कुछ साइट आप लोग विजिट कीजिए, कैसा उसका काम है, फिनिशिंग के साथ काम दे रहा है या नहीं दे रहा है। ये सब ऐसा काम करेगा तो आपको घर ही गिर जाएगा। ये देखिए छज्जा दिख रहा है आपको, देखिए छज्जा दिखा, दो बांस लगाओ, ये छज्जा ऑलरेडी टूट चुका है, वहाँ से ज्वाइंट वहाँ से क्रैक हो चुका है, या इसको तोड़ कर फिर से यहाँ पर छज्जा बनाएगा। ठेकेदार लोग ऐसा क्यों करता है, दो पैसा बचाने के लिए घर का पूरा इतना नुकसान कर देते हैं। यह देखिए कॉलम का साइज़ देख सकते हैं, नीचे का साइज़ कुछ और है, ऊपर एकदम उसका चौड़ा हो गया उसका साइज, कुछ भी यहाँ पर लेवल में काम नहीं हुआ। देखिए यहाँ पर कितना खराब इसका कास्टिंग हुआ है कॉलम का, अच्छा प्लेट अच्छा सेटिंग ना लगा के चक्कर में सब पूरा बिगाड़ दिया घर को। देखिए ये कॉलम का साइज देखिए, अब ठेकेदार लोग क्या बोलता है कि इसे प्लास्टर में हम छिपा देंगे। प्लास्टर सिर्फ कमजोरियों को छिपा सकता है लेकिन अंदर का मजबूती नहीं दे सकता। दोस्तों आप भी जब भी अपना घर बनाएं तो एक इंजीनियर ज़रूर रख लें, या एक कुछ जानकार सुपरवाइज़र या इंजीनियर की ज़रूर करें, या ठेकेदार को बोल के हमको इंजीनियर साइड पर हमको डेली चाहिए, उसका निगरानी मेरा घर बने, नहीं तो अपना घर वो पूरा ख़राब कर देगा। देखिए सब कुछ देख सकते हैं यहाँ पर, लाइट दिखा रहे हैं आपको, ऐसा ठेकेदार लोग क्या बोले, पूरा घर मतलब वो अपना तो पैसा बचाने के चक्कर में आपका भी पूरा घर के साथ साथ पूरा पैसा ही बर्बाद कर देगा, बोले घर का लाइफ पूरा ख़राब हो जाएगा। मेरा वीडियो बनाने का मतलब नहीं है कि जब भी आप अपना घर बनाए तो अच्छे ठेकेदार या अच्छे इंजीनियर के अंडर ही अपना घर बनाए, नहीं तो ठेकेदार आपका घर क्या कर सकता है, यहाँ एग्जांपल दिखाई दिए हैं। तो आप लोग सब भी घर बनाए तो ऐसा ठेकेदार को हायर ना करें और उसको काम ना दें, बढ़िया ठेकेदार को दीजिए, ऐसा घर भी अच्छा रहे, जो भी लगे कोई देखे तो बोला क्या घर बन रहा है ऐसा। मेरा ये सब वीडियो दिखाने का मकसद ये है कि आप लोगों को कुछ जानकारी हासिल हो, क्या 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 खराबी होता है घर बनाने के सामने, देखिए कुछ भी लेवल में काम नहीं हुआ, ब्रिक भी एकदम टेढ़ा है मेरा, कोई भी इसका ब्रिक का कोई प्लम्बो साहो यूज़ नहीं करके पूरा घर का टेढ़ा, दीवार भी टेढ़ा है, लिंटल देख सकते कितना टेढ़ा है। देखिए सबसे बड़ा गलती किया तो ये छत तो कास्टिंग कर दिया लेकिन आगे का छज्जा को कास्टिंग नहीं किया, अब बताइए बाद उस छत बाद में ढाला और छज्जा बाद में ढालेगा तो उसको जॉइंट ही नहीं मिलेगा, बाद में सीपेज का प्रॉब्लम, पानी गिरेगा, इसे क्रैक हो जाएगा,
ये देखो कितना टेढ़ा मेरा घर बन रहा है, एक भी दीवार भी सीधा नहीं है। अभी जो बीम देख रहे हैं आगे जो निकला हुआ है छज्जा का सब, वो भी बीम टेढ़ा है, सेंटरिंग भी सही से एकदम। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करिए। धन्यवाद।